सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन व पार्षद प्रमोद गुप्ता ने नगर निगम के कार्यों को केजरीवाल सरकार द्वारा क्रेडिट लेने पर केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह झूठों की सरकार है और आने वाले चुनाव में दिल्ली उन्हें आईना दिखा देगी। पेश है प्रमोद गुप्ता से एक भेंटवार्ता। प्रमोद जी, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के अंदर जो 5 वर्ष से ऐसी सरकार जो दिल्ली की तरक्की को रोके हुए थी, दिल्ली को कम से कम मैं समझता हूँ इन 5 वर्षों में 25 वर्ष पीछे कर दिया, वो इन चुनावों में दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। अभी लेकिन भाजपा का ग्राफ जिस हिसाब से कम हुआ है, जैसे झारखंड में जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को सफलता नहीं मिल पाई, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नहीं मानता कि भाजपा का ग्राफ कम हुआ है। कई क्षेत्रीय किन्हीं भी कारणों से कहीं पर हार या जीत अलग बात है, मगर वोट का प्रतिशत देखिए, वहाँ पर वोट का सारा विषय देखिए तो झारखंड के अंदर कहीं पर भी भाजपा बहुत थोड़े से मार्जिन से सीटों के गणित में कहीं रह गई, मगर भाजपा की वहाँ पर हार नहीं है। और दिल्ली की परिस्थिति तो बहुत अच्छी है। दिल्ली के अंदर चूँकि केजरीवाल ने इस दिल्ली की जनता को पिछले 5 वर्ष से इतना सताया है कि दिल्ली के लोग तो एक एक दिन गिन रहे हैं केजरीवाल को अपने क्षेत्र से भगाने के लिए। अच्छा, एक इस बात को अगर कहा जाए, जैसे कि इस समय विदेशी जो विपक्ष है उस पर NRC और CAA पे जो लोगों को भड़का बता रहे हैं इस विषय में भाजपा के खिलाफ, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने पर आ गए हैं, राष्ट्रवाद का विरोध करने आ गए हैं, देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का विरोध करने पर आ गए हैं और धर्म के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भड़काकर यह NRC और CAA का विरोध करने पर आ गए। इनको पता ही नहीं CAA है क्या, इनको पता ही नहीं NRC है क्या, इनको पता नहीं क्या लागू हुआ है क्या नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अफवाह भ्रांति और लोगों को भड़काकर बरगलाकर रोड पर उपद्रव कराया जा रहा है। इसके पीछे सोचा समझे तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष के वामपंथी लोगों का हाथ है। मैं भर्त्सना करता हूँ ऐसी घटिया और निंदनीय कार्रवाई की जो देश के हित में ना हो। मैं सराहना करता हूँ माननीय अमित शाह जी की जिन्होंने ये साहसी कदम लेकर, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं हैं ये योजनाएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई। क्या ये बातें ही बातें हैं कि बांग्लादेश को हटाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ? खाली बातें करने से, नारा देने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होगा। अमित शाह जी ने करके दिखाया है। अच्छा, बात किया जाए जैसे दिल्ली का, तो दिल्ली में नगर निगम की कई सफलताएं हैं, उसको केजरीवाल अपना कह रहे हैं, जैसे डेंगू इस बार पिछले मुकाबले कम हुआ है। देखिए, केजरीवाल जी की जहाँ तक बात करें तो मुझे तो एक मस्करे से ज़्यादा केजरीवाल जी की पोजीशन दिल्ली में लगती नहीं है। कुछ भी कह देते हैं, डेंगू मलेरिया 85% कम। अरे भाई, आपने क्या किया है? आपका कौन सा विभाग दिल्ली सरकार का डेंगू मलेरिया के लिए क्या कार्रवाई कर रहा था मुझे बताएं? आपने कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया जो डेंगू मलेरिया के लिए? आपने कितनी दवाई बांटी, कितना धुआं कराया, कितनी फॉगिंग कराई, कितनी मलेरिया की और कूलर की और पानी की टंकियों की घर में जा जाकर जांच कराई? ये सारा कार्य दिल्ली सरकार का है ही नहीं। सरकार किसी की भी हो, ये कार्य नगर निगम के हैं और नगर निगम ने बखूबी किया है। निश्चित तौर पर डेंगू मलेरिया कम हुआ है, मगर उसको सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो पक्ष के पार्षद हो, चाहे विपक्ष के पार्षद हो, चाहे किसी भी पार्टी के पार्षद हो, मैं बड़े दिल से कहूंगा इस बात को कि पार्षदों की मेहनत और उन DVC वर्करों की मेहनत है जिन्होंने घर जा जा कर एक एक घर की टंकी को चेक किया है, घरों के अंदर डेंगू मलेरिया को मार बताया है। आने वाले चुनाव में दिल्ली में भाजपा का क्या भविष्य दिख रहे हैं? देखिए, आने वाला दिल्ली का मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है। जब निगम में भी दिल्ली भाजपा की सरकार होगी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बीच की एक सीढ़ी जो ब्रेक हो रही थी केजरीवाल जी के द्वारा, आज वहाँ पर भी भाजपा की सरकार संपूर्ण बहुमत के साथ आती दिख रही है, तो मुझे लगता है कि तीनों जगह जब एक विचार, एक सोच, एक तरह से काम करने वाले लोग होंगे तो कार्य की गति बढ़ेगी। दिल्ली की उन्नति को जो 5 वर्षों से केजरीवाल जी ने रोका था, वो 5 गुनी रफ्तार से काम करेगी और दिल्ली आगे बढ़ेगी।
अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लिए, सभी इस जमुना पार के लोगों के लिए, पूरी दिल्ली वासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम सभी मिलजुल कर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें, और कोई भी राष्ट्र तभी महान बनेगा जब उस राष्ट्र के लोग महान बनेंगे। इस देश की तरक्की में, इस देश की खुशहाली में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताकर आप अपनी सहभागिता दें, देश की तरक्की की ओर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।